मध्याह्न भोजन रसोईया संघ का एक बार फिर सरकार के खिलाफ बागी तेवर सामने आया है, जिसमें उनका कहना है कि अगस्त माह से उनसे उन्हें मानदेय नहीं दिया गया है, जिसके कारण वो अब खाना नहीं बनाएंगे। इसी सिलसिले में आज वो मंत्रालय पहुंचे। उन्होंने मंत्रालय में संबंधित अधिकारी से बातचीत की और उनका कहना है कि अगर एक हफ्ते के भीतर उनको उनकी राशि वापस नहीं की गई तो वह कभी काम पर नहीं लौटेंगे और अभी भी वो काम नहीं करेंगे जब तक उनके खाते में बकाया राशि उन तक नहीं पहुँच जाती। आइए उन्होंने क्या कहा है सुनते। अरे भाई 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 थोड़ा से हैं है, पीछे कर पीछे कर पीछे। आज तीन तारीख के आज हमन मंत्रालय पहुंचे रहे हैं। आज हमन अधिकारी मन से मिले हैं, डायरेक्टर सर से मिले हैं। वो आश्वासन दे है कि हफ्ता भर के भीतर भीतर तुहर खाता में आ जाही करके बोले है। अगर हफ्ता देर हमें ये भी बता दे कि हमन काम बंद हड़ताल में चल दे है, हमन खाना नहीं बनाता, ना ही स्वयं सहायता समूह सामान देवते और ना ही स्वयं हमन रसोईया मन खाना बनाता करके मैं बता दे अधिकारी मन ला। और यहाँ मुला आश्वासन मिले कि हफ्ता दिन के भीतर भीतर और आज वहाँ से स्वीकृति होके मंत्रिमंडल से स्वीकृति होके आ गए है ऐसे करके मुला बताई से और हफ्ता भर के भीतर भीतर तुम्हार खाता में आई है ऐसे करके आश्वासन दे। तेकर वीडियो में आप मतलब वीडियो क्लिप भेज दूँ। मोर नाम नीलू अग्रह है, मैं रसोईया संघ के प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मध्याह्न भोजन रसोईया संघ जिंदाबाद जिंदाबाद मध्याह्न जिंदाबाद। निश्चित तौर पर उनकी मांगे जायज भी है। अगर एक हफ्ते में उनके राशि उनको नहीं मिलती है तो हो सकता है कि काम पूर्णतः बंद हो, जिसका प्रभाव जिन स्कूलों पर जो है मध्याह्न भोजन मिलता है उन स्कूलों पर निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि एक हफ्ते का उन्हें समय दिया गया, एक हफ्ते में उनकी राशि उन तक पहुँचती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे सहयोगी दीपेश पटेल के साथ प्रियांशु कश्यप, वोकल टीवी, रायपुर।